दोस्तों, सो दिस इज़ माई विप्लवी, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। तो हम निकल गए थे दोस्त लोग आगरा के लिए, ठीक है। हमारा बहुत टाइम से प्लान था कि हम घूमने जाएंगे जब भी वीकेंड कोई पड़ेगा, तो हम निकल पड़े थे और मुझे इंट्रो शूट करने का टाइम नहीं मिला, तो इंट्रो मेरा बाद में आएगा। सो दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग फतेहपुर सीकरी, नोइंग द हिस्ट्री ऑफ फतेहपुर सीकरी, आगरा एंड ताजमहल हम विज़िट करेंगे। So yes, in case you guys interested, please stay tuned and do not forget to like, share, comment and subscribe to my channel. So welcome to the vlog. देख खाने लग गए तो। खाएंगे। ना जा इधर आ जा भाई भैया भाई। छोटे से बच्चे से हाई करा रहे हैं हाई करा। अच्छी हाई करते हैं। Hi everyone, this is me Viplavi. Welcome or welcome back to my channel. तो आज हम दोस्तों ने प्लान किया था कि हम आगरा ट्रिप पे जाएंगे। अभी हम भरतपुर हैं, मैं इंट्रो शूट नहीं कर पाई थी तो वैसे ही सीधे कूद रही हूँ। और अभी हमने यहाँ पे नाश्ता किया था भरतपुर, अभी हम पहले फतेहपुर सीकरी जाएंगे, उसके बाद आगरा। तो अभी मैं जाके बैठती हूँ कार में। हेलो हेलो दोस्तों, आई एम बैक। तो अभी हम ना किसी रेस्टोरेंट पे रुके हैं वॉशरूम जाने के लिए, काफ़ी लंबा सफ़र है, आई थिंक 3-4 घंटे का, तो हमें सुसु लगाई है। और मैंने ऐसे ही आज स्टार्ट कर दिया वीडियो क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। और सुबह हम 6 बजे हमारे होम टाउन से निकल गए थे और बीच में हमारी कार में एसी भी बंद हो गया था, बड़ी मुश्किल से हमने सही कराई है उसे। हाँ, अभी फतेहपुर सीकरी जाएंगे। आई थिंक बुलंद दरवाज़ा भी वहीं है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो और आगरा जाना है, ताजमहल वगैरह देखना है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। यहाँ पे रोड पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, हाईवे पे हम। तो अभी मैं ना फतेहपुर सीकरी जाती हूँ, वहाँ पे जाके फिर आपसे मिलूँगी, ठीक है। We rise like tall buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young, and it's just begun. गाइस, वी आर हियर एट फतेहपुर सीकरी। पर यहाँ पे ना इसे बसेस का रहता है, पार्किंग में लगानी पड़ती है गाड़ी, प्राइवेट व्हीकल अलाउड नहीं, सिर्फ VIP उसको डायरेक्ट एंट्री है। पर बसेस तो बहुत टाइम ले लेंगी। अभी हम गाइड कर रहे हैं, उसी से बात कर रहे हैं, हमने सारा बात कर लिया, हमको ओवरऑल 1400 पड़ेगा और हम 10 जने हैं, आना जाना टिकट सब उसी में इंक्लूडेड है। सो उन्हीं के साथ अभी हम जाएंगे। तो यस, बाकी लोग आने का वेट कर रहे थे, अब हम बैठ के ओपन जीप में या पता नहीं किस में लेके जाएंगे, हम जाएंगे और ये पूरा हमको वहाँ यहाँ पर ट्रैवल कराएंगे एक दो चीज़ और एक्सप्लेन करेंगे कैसा क्या है। तो अभी हम चलते हैं। टोपी लेनी है आसन? गाइड के पीछे पीछे जा रहे हैं। गोल्फ कार में बैठेंगे, मुझे बहुत टाइम से बैठना था, आज बैठने को मिलेगा। गाइस पीछे देखो, पीछे पीछे क्या देखे? सारे कैसे बनते हैं? इसके पास जा रहे हैं क्या करते हैं? The night, wanna dance to the light, pulls dust from the sky, just two hearts running wild, never sleep, never stop, every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. ये booking counter है, यहाँ पे 50 rupees per person ticket है, Indians के लिए I think. Now we are inside. Oh my god, beautiful. इंदुरानी का नाम था जोधा भाई जयपुर की है, वो सामने दिख रहा है, एशिया का सबसे ऊंचा गेट बुलंदर बाजा।
बाबर ने यहाँ फाइट किया था खालवा का 1526 में, उस फाइट को बाबर ने फतेह किया। तो जगह का नाम शिकरी था, शिकारी लोग रहा करते थे। जब बाबर ने फतेह किया, फतेह में सोचता है विक्ट्री, तो जगह का नाम फतेहपुर का, इसलिए कम्बाइंड में मिलाता है फतेहपुर शिकरी। बादशाह अकबर की तीन वाइफ थी, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, थ्री वाइफ द नॉर्थ चिन्हन, तीनों में से किसी से भी कोई औलाद नहीं थी। तो औलाद की खातिर फर्स्ट बादशाह अकबर सबसे पहले अजमेर से राजस्थान में एक दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पहले फतेहपुर का पार्ट बना सुफिशन के बाद। जब बादशाह अकबर को बेटा हो गया तो बादशाह अकबर ने अपने रहने के लिए यहाँ फोर्ट बना लिया। बादशाह अकबर टोटल यहाँ 14 साल रहे, 12 साल यहाँ पूरे फोर्ट को बनाने में लगा, 2 साल और रहे, उसके बाद आगरा चले गए, क्योंकि फतेहपुर सीकरी छोड़ने का रीज़न था पानी की कमी। आज भी यहाँ खारा पानी आता है, उस ज़माने में भी खारा आता था, लेकिन अभी हम लोग आरो वाटर वगैरह पी लेते हैं, लेकिन उस ज़माने में नहीं आया। तो ये है सर दीवाने आम आम पब्लिक जनता दरबार। बादशाह अकबर एक दरबार लगाया करते थे जनता के लिए, मिडिल में बादशाह अकबर बैठते थे, साइड में उनके मिनिस्टर लोग, ऊपर में कॉरिडोर दिख रही, यहाँ लेडीज लोग बैठा करती थी, नीचे में जेंट्स लोग। ध्यान रखेंगे दीवाने खास ऐसी जगहों पे इधर आने के लिए ट्रेडिशनल स्पैनल बैंड बज जाती है। गर्मी लग रही है, मम्मी नहीं दिख रही, वीडियो बना रही हूँ और मैं ऐसी बातें करती हूँ। तो इसके अंदर रैन वाटर जमा होता था, उस जमाने में सीकरी का उपयोग पीने के लिए यूज किया। टोटल बावन बना रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा है साइंस रूम के दिन, बहुत झील है तो आउट पोर्ट बनाना, टूरिस्ट का उधर जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो मैडम उसको सच फेरा भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर 7 राउंड लगे हुए हैं, बहन भाई एक साथ नहीं चलते उसमें, जो भी साथ में होते हैं शादी में, इसलिए तो उसके अंदर 7 राउंड नहीं मिले। ये हाइड एंड सीक है, हाइड एंड सीक किसका खजाना है? सभी धर्मों को जोड़ते जो बादशाह सभी धर्मों के आर्किटेक्चर बनाए, हिंदू फारसी मुस्लिम मुगल। तो जब यहाँ प्राइवेट बिल्डिंग खत्म हो जाए करती थी, तीनों रानी बैठती थी, यहाँ हवा खाती थी, बहुत अच्छी हवा आती है, हवा ही आती है। हाँ तो रही है आर्किटेक्चर तो पहले का। तो फोटो ले लीजिए सर, यहाँ पर बहुत अच्छी पिक्चर आती है, इम्पोर्टेंट पिक्चर होती है। इधर से ले ले दीपक, हाँ वहीं से चारों साइड। यू शुड हैव बॉट हैट टुडे। नाउ द मॉर्निंग इज द आफ्टरनून, lay awake in bed, it lasts so loud as the hours pass. बहुत ही सुंदर है यार, 5 स्टोरी सरपंच महल बोल रहे हैं इसे। मैं गाइड से दूर रह जाती हूँ वीडियो शूट करने के चक्कर में। आज वेदर फोरकास्ट देख के आए थे कि मैं ना, क्योंकि भरतपुर में ऐसा था कि पानी वानी भरा हुआ है, तो हमें लगा था हम आ नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आज तो बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ रही है literally. दो दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके वाला ना, वो यहीं का शूटिंग है। सब को हो रही है पीछे वाले महल का, ये बार मैं याद नहीं, अब की बार तूने वहाँ नहीं फोटो।
अगली बार देखने जाते टाइम ले लेंगे अगर जाएंगे कोई बात नहीं. ये फर्स्ट वाइफ का महल है रुकैया बेगम का. ये आपको कार्बन दिख रही है, शिकरी गांव के लोगों की कार्बन है. अंदर में उस जमाने में इसको मेकअप रूम भी बोलते थे फर्स्ट वाइफ का. तो तीनों रानियां यहाँ मेकअप किया करती थी. अंदर में ग्लासेस हुआ करते थे बॉक्सों के लिए. तो ब्रिटेन के गवर्नर हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन. जब 1200 उनका कब्जा हुआ तो वो यहाँ से सारा चुरा कर ले गए. तो आज भी ये शिकरी गांव के लोग कार्बन करते हैं. उस जमाने में राजस्थान से ना मेन डोर पे मैडम इस तरीके से डिजाइन हुआ करती थी. घर के जो मैन होते ना उस जमाने में. ये जो आज भी शिकरी गांव के लोग जनरेशन वाई जनरेशन हैंडवर्क बनाते हैं तो उसी को रिप्लेस करके बना देते हैं. काफी बड़ी प्रॉपर्टी है यार. खैर महल है बड़ा तो हो गई. ओ सीनिक व्यू. क्या है? ओ अच्छा. ओ इतना ऊंचा बेड. ये उनका किचन हुआ करता था मरियम का. ये है सबसे बड़ा महल जोधाबाई का. समर पैलेस विंटर हाउस पूरा महल राजस्थानी आर्किटेक्चर में बना हुआ. हवेली झरों की. तो ये है मैडम जोधाबाई का वेज किचन. यहाँ जोधाबाई पर्सनल खाना बनाया करती थी दासियों के साथ. ऊपर में झुमके के डिजाइन दिख रहे हैं. ये राजस्थानी झुमके हैं. जो भी बेस्ट खाना बनाती थी जोधाबाई उनको इयररिंग झुमका गिफ्ट किया करती थी. क्योंकि राजस्थान का उनका पर्सनल आर्किटेक्चर हुआ करता था झुमका. तो महीने में एक टारगेट हुआ करता था. सो गाइस व्हेनेवर यू प्लान टू कम हियर प्लीज कैरी योर वाटर बॉटल्स. क्योंकि जब भी आपको थर्स्टी फील होगा तो यहाँ पे वाटर कूलर्स लगे हुए हैं तो आप अपनी बोतल फिल कर सकते हैं. पानी की कोई दिक्कत नहीं है. ये जोधाबाई का महल है. ये पूरा राजस्थान आर्किटेक्चर पे बेस्ड है. आपको दिख रहा है ना वो जोधाबाई का समर पैलेस था. गर्मियों में वो यहाँ रहती थी. सोने के लिए रूम की लाइट जोधाबाई दहेज में तो वो यहाँ से ले जा चुके हैं. अभी तो ये खाली आपको ये मिलेगा तो देखेंगे. तो आप लोग यहाँ 5 मिनट घूम सकते हैं. मम्मी इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है. खाली कहाँ डोल सकती है. मैं उल्टी कर देती. बहुत बड़ा है. मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा आगरा व्लॉग मुझे 2 बार में अपलोड करना पड़ेगा. हाँ वहाँ से तो अपन आ गए ना. जोधाबाई पैलेस लिख रहे हैं. फाइनली पुलन दरवाजा दिख गया है. जूते वूते उतार के अंदर आ गए. बहुत ही सुंदर है. यहाँ पे नंगे पैर आना होता है. तुम सबने जूते उतार दिए. 10 rupees per shoes.
आई मीन पर पेयर। बादशाहपुर ने एक लड़ाई लड़ी थी अहमदनगर चांद बीबी सुल्तानत से, जो गुजरात की रानी हुआ करती थी। उस जमाने में जब बादशाहपुर ने बुलंद दरवाजा बनाया आधा था, वो जब उसको फतेह किया विक्ट्री की, उसको पुल बनाया था विक्ट्री के लिए बुलंद। तो ये बुलंद दरवाजा जो बना हुआ गुजरात के देश की तरफ बना, तो गुजरात की रानी से लड़ाई को फतेह किया। जमा मस्जिद मुगलों ने भारत में ऐसी चार जमा मस्जिद बनाई, फर्स्ट एंड दिल्ली, सेकंड फतेहपुर, थर्ड एंड आगरा, फोर्थ एंड लाहौर पाकिस्तान, क्योंकि पहले पाकिस्तान भारत के हिस्से थे। वो ऐसे अक्टूबर को एक बेटा हुआ था सलीम, तो पहले जो दरगाह थी वो रेड स्टोन से बनी थी, सैंड स्टोन से। जब बादशाह अकबर ने उसको बनवाया, जब जहांगीर को पता चला, जोधाबाई ने बताया कि आप इनकी दुआ और आशीर्वाद से पैदा हुए, तो उसने उसको वाइट संगमरमर से बनाया, जिस संगमरमर से ताजमहल बना हुआ है, और ताजमहल से 16 ईयर ओल्ड पुरानी है। जो आज भी हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जो फतेहपुर है यहाँ वही लोग आते हैं जिनको बाबा बुलाते हैं। फर्श कुछ ज़्यादा ही गर्म है, चप्पलें उतरवा दी हैं हमारी। वाव, कितना बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा गेट है ये बुलंद दरवाजा। ये मैडम एशिया का सबसे ऊंचा गेट बुलंद दरवाजा, ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी हाइट 176, टॉप से लेकर लेंथ 134, 90 फीट आर्च और भी कुरान सेम निकलता है, वो किले का मोटी बोला सुन डालता है। तो दिख रहा हूँ 9 किलोमीटर के एरिया में थोड़ा पहुँच रहे हैं, तो 9 गेट बनते हैं करती बात हो। उस ज़माने में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन जो लोग के धर्म के लोग आते थे, पहले काम किया करते थे। इधर से चलेंगे अनारकली को सुरंग देखेंगे, दरगाह जाएंगे। मैडम यही है संत तो बाबा की दरगाह, कोई विश वगैरह दिल में हो तो उसको कर जरूर जाना, जो भी मुराद आपके दिल और मन में हो खाली नहीं जाएगी जी भैया। इस दरगाह में धागा बांध के 3 विश बोलते हैं, पर वो किसी को बताते नहीं तो वो पूरी हो जाती हैं, और यहाँ पे वापस आने की भी ज़रूरत नहीं है अगर वो विशेस पूरी हो जाए तो। बेटा फोटो खिंचाएंगे कोई? बस आप किसी भी गरीब को, किसी दो गरीबों को खाना खिला सकते हो। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं धागा बांध के, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा पहले हम अभी कुछ और देखेंगे आई गेस। काफ़ी बड़ा है, मुझे तो लग रहा है मेरा आगरा ब्लॉग दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगा। अभी हम यहाँ के बाद ताजमहल भी जाने वाले हैं, पर इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और गाइड करने से बहुत कुछ पता लगता है, बहुत कुछ हमें पता लगा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लवली एक्सपीरियंस। जो भी आपको ऐसे बॉक्सेस से दिख रहे हैं ना, ये इनकी फैमिली के लोगों की कब्रें हैं। मैम पता ही क्या है, कब्र हैं ये इनके फैमिली मेंबर्स की। दिस इज द गुलिस्ता टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ये रेस्टोरेंट है। हमने वहाँ तो बुलंद दरवाज़ा और वो सब देख लिया है, और अभी हम खाना खाना था तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि सही मिलता है। फिर हमने मेनू चेक किया तो रेट्स काफ़ी रीज़नेबल थी, पनीर पनीर की सब्ज़ी भी 250 रुपये की थी मैक्सिमम, रोटी 20 रुपये की थी। तो हम अब यहीं खाना खा रहे हैं, वैसे भी फुल्ली एयर कंडीशन है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम सीधा यहाँ से खाना पीना खा के और आगरा के लिए निकलेंगे। सो यस,
वी आर हेडिंग इनसाइड। तो यार गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। बाकी मैं आपको आगरा नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, वरना काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ बैठे थे, अच्छा खाना था, पर इन्होंने काफ़ी टाइम आई थिंक 1.5 घंटे में हमें खाना खिलाया था। तो बस, और फिर मैं दवाई भी ले थी कि मुझे सिर दर्द हो गया था। तो नेक्स्ट व्लॉग में अपन आगरा चलेंगे। तो मिलती हूँ आपसे, बाय।